खिला खिला के मोटा करना काम हो गया आपका आज कर रहे हैं। लोग हर दिन आपके पास दो दो बार आ रहे हैं और ये स्पेशल चीज बना के ना अलग बवाल मचा दी हो। आम की भजिया रायपुर में और कहीं नहीं, रायपुर में और कहीं नहीं। तो बिल्कुल कॉन्ग्रेचुलेशन, ऐसे काम करते रहिए और खिलाते रहिए पिलाते रहिए, मस्त रहिए। आपका दिन शुभ हो। क्या बना रहे स्पेशल, ये क्या चीज है? ये आम का भजिया है। आम का भजिया, आम का मौसम है ना। जी जी, सही बात है, गर्मियों में यही तो एक ऐसी चीज है जिसको आप पूरे साल भर याद करते हैं। वैसे आम एक ऐसी चीज को देखने के बाद ना अपने आप ना, आम का भजिया, आम की चटनी, जी जी, हमारे यहाँ बहुत बिकता है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार। मेरे हिसाब से आप ही बस बेचती हो रायपुर में? तो रायपुर में मैं एक ये और एक ढेर का। हाय हाय हाय, क्या बात है, शानदार। इसको क्या है कि 5 मिनट ऐसे नमक डाल के रखते हैं। जी जी जी, पूरे आम में नमक आ जाए। हाय 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 हाय, बहुत ही शानदार दिख रहा है। तो देख के लगा तो ऐसे कच्चे खा जाए आदमी। बनेगा तो और टेस्टी। जी जी बिल्कुल, इसको 5 मिनट छोड़ देंगे। 5 मिनट नमक हो गया है रेडी। और भाई इसको खाने के बाद जो मजा आएगा, इसी को मोहब्बत बोलते हैं अपन। अब गर्मी में तो भाई ऐसा है कि आम की अगर कोई भी चीज मिलती है तो उससे तो प्यार हो ही जाता है, बट ये चीज थोड़ी डिफरेंट है। घर में हम लोग बनाने की कोशिश कर सकते हैं पर यहाँ का स्वाद अलग है। तो ये गाइस अब लगभग से लगभग हो गया रेडी। सर कितने बजे खुल जाता है? शाम को 5 बजे। शाम को 5 से रात को 11 बजे तक। तो गाइस हो गया रेडी, इसको ट्राई किया जाएगा, बताएं कैसा है। पूरी सब गड़बड़ी, सब सब एक एक भी अच्छी नहीं है। देखा मैं भैया, ये 5 रोल डाला कि नहीं? नहीं डाल दो, डाल दो ना। ये हरी वाली चटनी, संवाददाता आकृति के साथ आदर्श मिश्रा रायपुर पुड़ी लव से बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। मेरा वाला बात तू बोल, ठीक है। बन के हो चुका है रेडी और इसको खाने के लिए भाई मैं जो मतलब वो जो तड़प थी वो आज पूरी होगी। बहुत दिनों से मन था खाने का और मैंने क्या किया, लाल मिर्च की जो चटनी है और जो आम की चटनी है उसको मिक्स कर दिया है। जो खट्टापन है, जो तीखापन है भाई साहब, मज़ा आ जाएगा। आँख बंद करके आपको आना है। कहाँ पर आना है? कटरा तालाब में आपको योगेश्वर महादेव मंदिर है, शिव मंदिर बोल सकते हैं, शिव मंदिर के जस्ट सामने में है, नाम है देव नाशा सेंटर। तो बस जरूर आइएगा, एंजॉय करिएगा। कैसी लगी वीडियो जरूर देगा, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें।